हेलो माय ब्यूटीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। मे माता रानी ब्लेस यू ऑल विद हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। आज का वीडियो रहने वाला है क्लोविया ब्राहॉल। एंड मैंने काफ़ी टाइम पहले ब्राहॉल बनाया था, आपको काफ़ी अच्छा लगा एंड मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी फॉर दिस डेडिकेटेड वीडियो। और क्लोविया ब्राहॉल, एंड बाय द वे मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है यार? मैंने फर्स्ट टाइम ये नियॉन कलर ट्राई किया एंड आई एम लविंग इट। एंड लेट मी नो मुझे कैसा लग रहा है। आई नो समवन वी लाइक कैन शो ऑफ क्यों कर रही है, बट इट्स नाइस, इट्स कूल, राइट? ठीक है, अब मेरे पास आप सबको खुशियाँ शेयर करने के लिए, तो ऑफकोर्स मैं क्यों ना शेयर करूँ, करना बनता है। ओके, सो जैसे मैं आपको बता रही थी, ब्रा हॉल शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम क्लोविया। मेरे पास ना काफ़ी सारी ब्राज आए आज, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है इन कमेंट सेक्शन एंड मेरे यू नो इंस्टाग्राम हैंडल पर भी, रिगार्डिंग की दी मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट नेकलाइंस होती है। आपने जो मैंने पहले यू नो ब्रा हॉल करा था, उसमें मैंने कुछ ही मतलब स्पेसिफिकली कोई 5 ब्रास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के मैंने कवर अप करे थे। उसके अलावा भी काफ़ी सारी और ब्रास होती है, काफ़ी सारी और नेकलाइंस होती है जो हम लड़कियां डालती हैं, चाहे वो टॉप में हो, चाहे वो कुर्तीज़ में हो, चाहे वो एक ब्लाउज का नेकलाइन हो, तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, सर्कुलर, वी शेप, मतलब ऑफ शोल्डर, तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रहती है। सो मैं उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आज ब्रा हॉल लेके आई हूँ। मैंने स्पेसिफिकली कुछ ऐसी ब्रास पिक करी है जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स में। जैसे अभी नवरात्रि का सीज़न है एंड उसके बाद में तो शादियाँ वगैरह यू नो बहुत आने वाले। आई नो यू गोना ट्राई आउट मेनी ऑफ द स्टफ जिनके डिफरेंट डिफरेंट नेकलाइंस होंगे, तो ऑफकोर्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। सो जिनको नहीं पता व्हाट क्लोविया इज, क्लोविया इज अ वेबसाइट जहां पर आपको एक्टिव वेयर, शेयर वेयर, ब्रा, पैंटी एंड नाइट वेयर की काफी अच्छी रेंज मिल जाएगी एट वेरी नाइस एंड यू नो प्रीमियम क्वालिटी और एक अच्छे प्राइस पॉइंट में, ठीक है? तो अब मैं आपके पैसे बचा देती हूँ। सबसे पहले नवरात्रि चल रहा है तो आपको नवरात्रि सेल का क्यों मतलब लाभ नहीं मिलेगा। यू विल गेट 4 ब्रा जस्ट अंडर 799 रुपीज एंड अदर देन दैट 50% ऑफ है नवरात्रि के चलते। 50% इज अ ह्यूज, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। एंड मैं आपको कुछ कोड्स बता देती हूँ, कोड्स रहे ये, आप कूपन कोड यूज करते हैं लाइक online3 प्लस GAL5, आपको एडिशनल 5% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप मेरा दिया हुआ ये वाला कोड यूज करेंगे, आपकी फर्स्ट परचेज इस 1200 रुपए के अबव होती है तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, तो आपको फ्लैट 300 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है डिस्काउंट तो चल ही रहा वैसे भी नवरात्रि के चलते, तो यही टाइम है गर्ल्स जस्ट गो एंड ग्रैब इट। वैसे भी जैसे मैं आपको बता दी शादी आने वाली है, यू गोना ट्राई एन नंबर ऑफ डिफरेंट नेकलाइंस, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कंफर्ट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज ओवर क्लोविया। ये वाला पैक है, इतना बड़ा पैक है मेरे पास आज आपके साथ शेयर करने के लिए। इंट्रो काफी बड़ा हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सी फ्रॉम क्लोविया रिसेंटली, ओके, क्यूट क्यूट डिजाइंस, आई नो इसे दिखना है, बट गर्ल्स कम ऑन, वी शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी। टू बी कंफर्टेबल, इट हैज टू बी फंकी, इट हैज टू बी समथिंग दैट यू ब्रीद इन, ओके? सो ये सब चीजें ध्यान में रखो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आज की हॉल के। सो ये रही सबसे पहली वाली ब्रा, विच इज अ प्लंज्ड ब्रा। आप इसकी नेकलाइन देख सकते हो, यू नो वी नेकलाइन बनी हुई है बिल्कुल डीप वाली, और ये नॉन पैडेड है और जो फैब्रिक है दैट इज प्योर कॉटन। एंड डिटेलिंग आप देख सकते हो, बाकी ये यू नो पैटर्न इज रियली अमेजिंग, लेपर्ड प्रिंट बना हुआ है एंड एडजस्टेबल स्ट्रैप यूजुअली जो होती है कंफर्ट में, आई मस्ट से इट इज जस्ट अमेजिंग। कॉटन का फैब्रिक है, इट इज सुपर ब्रीदेबल। प्लंज ब्रा आप कब पहन सकते हो? जब आपने कोई यू नो ड्रेस डाली है बहुत ही डीप नेकलाइन वाली या वी नेकलाइन वाली, तब प्लंज ब्रा आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट देगी। अगर आप कोई यू नो वी नेकलाइन वाली टॉप डाल रहे हैं और आप एक नॉर्मल ब्रा डाल रहे हो तो वो रिवील होगी। यूजुअली लड़कियां क्या करती है, उसके नीचे ब्लैक स्पेगेटी टॉप डाल देती है ना? तो गर्ल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप तब ये प्लंज्ड ब्रा यूज कर सकते हो जो आपके ब्रेस्ट को एक परफेक्ट शेप तो देगा एंड सपोर्ट तो देगा एंड एट द सेम टाइम आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये क्लेवेज को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होने देगा बट एक सपोर्ट भी देगा, सो विच इज वेरी गुड थिंग अबाउट दिस। और आप देखते हो पीछे से बिल्कुल ये हुक वाली जैसे ऑर्डिनरी होती है, यू नो शेप मतलब साइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको बता रही हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। सो इट इज सो नाइस, मुझे काफी अच्छी लगी, आई यूज इट, ट्रस्ट मी, एंड इट इज सो सो गुड। सो ये रही पुशअप ब्रा जिसके लिए मैं आपको पहले बता रही थी। पुशअप ब्रा आपकी ब्रेस्ट को थोड़ा अपलिफ्टमेंट देगा, अगर आपको फुल सपोर्ट चाहिए और अपलिफ्टमेंट चाहिए ताकि आपका क्लेवेज थोड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन हो,
तो आप पुशअप ब्रा ट्राई कर सकते हैं जो कुछ इस तरीके से, ऑफ कोर्स इट इज पैडेड, आपको पैडिंग मिल जाएगी, बट ट्रस्ट मी द पैडिंग इज सो गुड, सो ब्रीदेबल, इसमें गर्मी नहीं लगती है फर्स्ट ऑफ ऑल. अनदर थिंग इज दैट ये जो फैब्रिक है ये आपको मिल रहा है फुली कॉटन का, बहुत कंफर्टेबल है, पूरा फ्लोरल प्रिंट है पर. और अंडर वायरिंग कर रखी है, अंडर वायरिंग मतलब यहाँ नीचे से वायरिंग कर रखी है, ऊपर से वायरिंग नहीं है, ऊपर से आपको लेसिंग मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है, लेसिंग मिल रही है, नीचे से वायरिंग हो रखी है एंड यहाँ से यू नो साइड स्पिलेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा कवरेज दे रखा है. जो साइड स्पिलेज यहाँ से थोड़ी यू नो हमारी स्किन ऐसे लूज लूसी फील होती है, कंफर्ट नहीं होता है एंड यू नो पतली अगर स्ट्रैप हो साइड से तो वो स्किन लटक सी जाती है ना. तो ये आपके साइड से भी एक अच्छी कवरेज देगा, एट द सेम टाइम फैब्रिक इज सो कंफर्टेबल, सो ब्रीदेबल एंड स्ट्रैप्स एडजस्टेबल ऑफ कोर्स. एंड पीछे से आप देख सकते हो यू आर गेटिंग सच अ नाइस वाइड बैंड जो आपको पीछे से भी एक अच्छी यू नो कवरेज देगा. आप इसे अंडरनीथ डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई यू नो ऑफ शोल्डर ड्रेस डाला है या फिर नॉर्मली कोई भी यू नो नेकलाइन डाली है जो इसे रिवील ना हो. सर्कुलर नेकलाइन भी इसमें चली जाएगी बट इसमें वी नेकलाइन नहीं जा सकती, आप देख सकते हो ज्यादा डीप वी नेकलाइन नहीं जा सकती, थोड़ी हल्की सी वी नेकलाइन जा सकती है, डीप नहीं जा सकती. डीप वाली के लिए आपको पहली वाली जो मैंने आपको बताई प्लंज ब्रा वो आपको यूज करनी पड़ेगी. सो दिस हाउ इट इज एंड कलर्स के साथ पैटर्न्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है वो आप देख सकते हो. और ये मल्टीपल वेव ब्रा है, आप इसकी स्ट्रैप को हटा भी सकते हो और इसे एज अ स्ट्रैपलेस ब्रा भी यूज कर सकते हो. So it's so nice. ये थर्ड वाली ब्रा विच इज अ फुल कवरेज ब्रा एंड ये कैमोफ्लॉज प्रिंट में मिल जाएगी. इसमें कोई कप्स नहीं है सो दैट्स वाई यू कैन सी ना फैब्रिक थोड़ा ऐसे लग रहा है आपको. इसमें कप्स नहीं है जो लड़कियों को यू नो कप्स ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब जो यू नो डेमी कप्स होते हैं यूजली ब्रास में, जैसे मैं आपको पहली वाली ब्रा में बताई ये वाली में, तो बिकॉज आई एम द पर्सन मुझे भी कप्स नहीं पसंद है, इट मेक्स मी फील सम हाउ डिसकम्फर्ट आफ्टर सम टाइम, तो आप तब ये यूज कर सकते हो. एंड इट हैज अ नाइस प्रिंट एंड ये फुल कवरेज, ये आपके ब्रेस्ट को इतनी अपलिफ्ट में नहीं देगा ऑनेस्टली टेलिंग यू, बट यू विल फील सुपर कंफर्टेबल क्योंकि आप ये फुल कवरेज ब्रा घर पे भी डाल सकते हैं कंफर्टेबली. कोई वायरिंग नहीं है इसमें, कोई वायरिंग वगैरह नहीं हो रखी है एंड यू आर गेटिंग सच अ नाइस बो इन द बिटवीन. एंड यहाँ से थोड़ा मेशिंग का वर्क कर रखा है इस तरीके से एंड द मेश इज सो नाइस, चुभने वाली बिल्कुल नहीं, बहुत ही सॉफ्ट है. And just you can see it like this, but you will get a full coverage. So it's like a decent bra, okay? That you can wear at home also. So ये रही fourth वाली bra, which is a t-shirt bra. As the name suggests, t-shirt के जैसे मतलब आपको थोड़ा you know feel आने वाला after wearing is क्यों? क्योंकि एक तो full ये coverage देगी, full coverage मिलेगी. At the same time, थोड़ी सी upliftment मिलेगी, and you're getting a padding over here, जो आपके यू नो बर्स्ट साइज को थोड़ा सा एनहांस कर देगी. इसमें कोई वायरिंग नहीं है एंड यू विल फील कंफर्टेबल इन इट. टी शर्ट में यू फील सुपर डुपर कंफर्टेबल क्योंकि एट द सेम टाइम आप टी शर्ट के जैसा एक कंफर्टनेस एक्सपेक्ट करोगे इसके साथ. तो इसमें वायरिंग नहीं है, पैडिंग है, आपको फुल कवरेज मिलेगी, थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट मिलेगी और साइड स्पिलेज नहीं होगा. एज यू कैन सी वाइडर एरिया ऑफ यू नो साइड से ये स्ट्रैप्स मिले हुए हैं. पैटर्न इज रियली नाइस, ये पैटर्न मुझे पहली बार देखते हुए पसंद आ गया था. So it's really cool. So by the way, ये जो ब्रास मैंने ऑर्डर करी है इट्स इन द साइज 34C. सो आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफेक्ट साइज क्योंकि वहां पर जैसा साइज चाहिए, जिस तरीके का साइज चाहिए, इतना नंबर चाहिए, ABC जो भी हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. एंड मूविंग टू माई फेवरेट दैट इज स्पोर्ट्स ब्रा, मतलब दिस वॉज समथिंग I always stick to for मतलब कितने सालों तक मैंने ये स्पोर्ट्स ब्रा डाली है. Do let me know if you are like me, मतलब बचपन से लेके आई गेस 2 साल पहले तक आई वाज जस्ट स्टिक टू स्पोर्ट्स ब्रा. एक तो ये कॉटन की फुली बनी होती है, इसमें कोई पैडिंग कोई वायरिंग नहीं हो रखी होती है, फुल कवरेज मिलती है एंड ये मतलब ब्राव जैसी फील भी नहीं देती है. यू आर फीलिंग लाइक के मतलब एक क्रॉप टॉप डाली है अंडरनीथ, बट यू विल फील अ गुड कम्फर्टनेस एज वेल. एंड जिसके स्ट्रैप्स होते थे पतले नहीं होते थे, यहाँ पर निशान नहीं छोड़ते थे, पूरा कॉटन का बना होता था, तो यू नो वैसी ही शर्ट वाली फीलिंग आती थी, क्रॉप टॉप डाली है वैसी वाली फीलिंग आती थी.
सो दैट्स फेवरेट रही है. एंड जो टीन गर्ल्स है स्पेशली जो मेरी वीडियो देख रही हैं, आई मस्ट से आप ये स्पोर्ट्स ब्रा डेफिनेटली ट्राई करो. ये बहुत अच्छी है. एक तो आपको कम्फर्टनेस भी फील होगा एंड अदर देन दैट अगर आप यू नो कहीं पर भी जाते हैं ट्यूशंस के लिए स्कूल्स पे तो आपको बिल्कुल कम्फर्ट फील होने वाला है क्योंकि पैडिंग वाली वो सब चीज़ें नहीं काम करेगी. रीजन बींग आपको यूनिफॉर्म डालनी होती है, यू डोंट वॉन्ट टू यू नो फील डिसकम्फर्ट इन दैट. सो जस्ट I will not gonna suggest you to go for it. Go for the sports bra. Super comfortable है, अच्छी coverage मिलेगी, comfortable feel करोगे. It's best. And यहाँ को hooks वाली मिली, एक बिना hooks वाली भी होती है, वो भी आप try कर सकते हो. By the way, hooks वाली भी काफी अच्छी है, कोई discomfort नहीं feel होगा. And yeah, just look at this pattern, काफी अच्छा है. Blue and black में ये आपको मिल जाएगा, kind of you know block print हो रखा है इस पे. सो ये तो मेरी लाइफ सेवर रही है. सो जैसे मैंने आपको बता दिया, टीन गर्ल्स डेफिनेटली आप इसे ट्राई करो. ये बहुत कंफर्टेबल है और आपको लगेगा भी नहीं कि यू एवर ट्राइड एनी ब्रा, इट्स मोर लाइक अ क्रॉप टॉप. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट क्योंकि ये है फुल कवरेज टीन ब्रा. रीजन बींग ये आपको फुल कवरेज दे रहा है आगे पीछे से. इट्स मोर लाइक अ यू कैन से एक्टिव है, जैसे जिम ब्राज होती है वो भी मतलब वो भी एज एन एक्ट कर रही है. एंड अदर देन देन ये आपको न्यूड शेड में मिल जाएगी. आप कलर देख सकते हो, आप कोई भी जैसा भी कपड़ा डालोगे जो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी जिसमें रहेगी तो आप बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं करोगे कि आपने कुछ ऐसा अंडरनीथ डाला हुआ है जो रिवील होगा, मतलब ब्रा का कोई पैटर्न रिवील होगा क्योंकि एज नेम सजेस्ट ये न्यूड ब्रास है और ये पैडिंग पूरी हो रखी है इसमें. एंड ये भी मतलब मैं सजेस्ट करूंगी जो यू नो स्कूल गर्ल्स है या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स है. कॉलेज के टाइम पर तो यू नो मोस्टली गर्ल्स आर सो सेंसिबल टू स्विच टू दैट टिपिकल ब्रा एंड हाउ टू मैनेज इट दे नो वेरी वेल. बट टीन गर्ल्स हैव नो दैट टाइप ऑफ यू नो ग्रोन अप माइंड टू हैंडल विद ऑल दैट थिंग्स. आई नो, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आई बीन थ्रू दैट फेस. मुझे पता नहीं क्यों ऑकवर्ड लगता था इफ एनी वन सजेस्ट मी टू गो फॉर दैट टिपिकल ब्रा. ये जो सारी होती थी ब्राज, आई फील सो लाइक नहीं, मुझे नहीं यूज करना. अगर आप भी मेरे जैसे थे लेट मी नो. तो मैं ये वाली यू नो ब्राज यूज करती थी. इट वॉज सुपर कम्फर्टेबल एंड एट द सेम टाइम ये आप पैड्स ना इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो. इसके अंदर ये पैड है और ये आप रिमूव कर सकते हो आसानी से अगर आपको नहीं चाहिए. ठीक है, तो उस चीज़ में भी कंफर्टेबल है. जब आपको पैडिंग चाहिए तो आप पैडिंग डाल सकते हो. यूजुअली क्या होता है, टीन गर्ल्स स्कूल्स में कॉलेजेस में हमें कुछ एक्टिविटीज करनी होती है. इट कैन बी एनी एक्टिविटी, गेम्स, कुछ भी. तो यू वॉन्ट टू फील कंफर्टेबल एट द सेम टाइम और आपको एक अच्छी सपोर्ट भी मिल जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. एंड यहाँ से तो अंदर आप जब भी आपको जिस तरीके से कम्फर्ट फील हो तो आप इसे डालो, निकालो. एंड अगर कोई टीनेज गर्ल इस वीडियो को देख रही है मेरी, तो इफ़ यू वॉन्ट टू नो स्पेशली कि आप कौन सी ब्रा डाल सकते, कौन आउटफिट के नीचे, बिकॉज आई नो टिपिकल वो ब्रा अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप किस तरीके से यू नो आउटफिट को स्टाइल कर सकते हो, अंदरनीथ क्या ब्रा डाल सकते हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा. स्पेसिफिकली वो वीडियो भी आपके लिए जरूर बताऊंगी. खरीदने के साथ मैंने ये थिन यू नो पैड्स भी बाय करे थे जिनका मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है. तो मैंने ये भी पैक बाय करा था, बहुत अच्छा है. एंड जब आप ट्रेवल कर रहे हो स्पेशली यू वॉन्ट टू लुक नाइस एंड कंफर्टेबल, वॉन्ट थिन पैड्स, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई करो. बहुत अच्छे हैं क्लोवे के ये पैड्स, मुझे काफ़ी अच्छे लगे. एंड इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद कुछ फ्री ना मिले, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो आई गॉट दिस कैमिसोल एंड यू सो इस तरीके से मुझे कैमिसोल या टैंक टॉप बोल लीजिए वो मिली है. इट इज़ इन ब्लू कलर, मेरे पास थी भी नहीं वैसे भी ब्लू कलर. सो फ्री में और यू नो हम इंडियंस फ्री में हमें कुछ मिले, हम यू नो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट ना करते, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, घर पे कंफर्टेबली बंदा डाल सकता है इस पर. सो ये मैंने काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स पैटर्न्स के ब्रास आपके शेयर करी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी. सारे के लिंक्स ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, मेक श्योर अगर आपको कोई बाय करना है यू कैन जस्ट गो अहेड एंड बाय इट. वैसे भी नवरात्रि सेल चल रही है, इससे वैसे मौका कोई नहीं हो सकता, यू कैन जस्ट गो एंड ग्रैब इट. वैसे भी क्लोवे पर सेल तो चलती ही रहती है बट नवरात्रि एक और प्लस पॉइंट मिल रहा है आपको जहां पर काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. सो यू कैन जस्ट गो. एंड हाँ, सारे कोड जो मैंने मेंशन कर रखे थे आपको वीडियो में पहले, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. सो मेक श्योर आप उन यूज करें. ओके, दैट्स इट, हियर एंड्स माय वीडियो. अगर कोई भी क्वेश्चन हो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन और आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर. डेफिनेटली मैं आपकी हर एक क्वेरी को कंसीडर करूंगी, उसको क्लियर आउट करूंगी. दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई लव यू अलॉट. दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे स्माइलिंग, स्टे सेफ, लव यू ऑल.